हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम ऑन वेव फॉर यू, जहां पे आपको मिलते हैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स विद लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच इंस्टेड ऑफ रटिफिकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम बायंट फोर्स पर कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो यही है कि आपको एक वेसल गिवन है, इस वेसल में रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे दो आइडेंटिकल स्पीयर आपको शोन है। इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन इनकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी सिग्मा वन है और इसकी डेंसिटी सिग्मा टू है। आपको अब इन दोनों को आपस में एक स्ट्रिंग रस्सी की सहायता से बांध रखा है और आपको बोला गया है कि ये दोनों अब इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुके हैं, मतलब कि ये दोनों टोटली सम्मर्ज्ड है। ये पूरा का पूरा जो निकाय है, सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट को अटेन कर चुका है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन सिग्मा वन और सिग्मा टू, कि सिग्मा वन ग्रेटर देन लेस देन है या सिग्मा टू से, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, यही आपको कैलकुलेट करना है। और एक मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपसे दो तीन क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लेता है वो। तो आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ ही गया होगा कि सारे का सारा जो क्वेश्चन है वो बायंट फोर्स के आसपास घूमने वाला है। तो उससे पहले मैं बायंट फोर्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दूं आपको। बायंट फोर्स किसी लिक्विड में सम्मर्ज ऑब्जेक्ट पर लगता है और जो बायंट फोर्स होता है वो रो वी जी। यहां पे रो होता है कि जिस लिक्विड में आपका ऑब्जेक्ट सम्मर्ज्ड है ये उसका होता है। यहाँ पे ये स्पीयर इस रो लिक्विड के, रो डेंसिटी के लिक्विड में सम्मर्ज्ड है तो यहाँ पे ये रो इसका लिया गया है। वॉल्यूम होता है वो लिक्विड में सम्मर्ज्ड ऑब्जेक्ट का होता है और ये टोटल वॉल्यूम ना होके जितना ऑब्जेक्ट आपका सम्मर्ज्ड है, डूबा हुआ है, उतना ही कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, ये मेरा एक लिक्विड फिल्ड वेसल है और इसमें एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया और ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसमें इसका पूरा वॉल्यूम हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम जो कि सम्मर्ज्ड है, उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और जी यहाँ पे जी ना होके जी इफेक्टिव होता है और इस पर एम जी, इसका खुद ग्रेविटी की वजह से जो एक फोर्स लगता है एम जी, उसको हम सिग्मा वी जी होता है। यहाँ पे जो वी होता है वो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये टोटल वॉल्यूम होता है। यदि मैं यहाँ पे सिग्मा वी जी लिखता हूं तो ये एम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बायंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम को हम कंसिडर करते हैं। यदि आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो तो एक मैंने पूरा वीडियो इस पर बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं गाइस। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मैं यदि ए ऑब्जेक्ट मान लू और इसको बी स्पीयर नाम दे दू तो ए पर जो लगने वाले टोटल फोर्स की बात करूं तो ए पर एक सिग्मा वी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो कौन सा है एम जी वाला है, इसके वेट की वजह से लगने वाला फोर्स है। इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है रो वी जी जो कि बाइंड फोर्स है, इसको सिग्मा वन मान लेता हूं। अब मैं यदि ये ए का एफ बी डी हो गए, अब बी के एफ बी डी की बात करूं, ये बी ऑब्जेक्ट है, बी के एफ बी डी की बात करूं तो इस पर जो डब्ल्यू होगा वो सिग्मा टू वी जी होगा और इस पर जो बायंस फोर्स होगा वो रो वी जी होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये पूरा का पूरा निकाय है, पूरा का पूरा सिस्टम है, वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका है, मतलब इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इक्वल हो गए। एक चीज और जो हमने अभी कंसिडर नहीं की कि ये आपस में स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, स्ट्रिंग में से जुड़े हुए हैं तो इस रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन भी होगा। अब हो सकता है कि वो टेंशन हो और हो सकता है टेंशन ना भी हो। तो यहां पे एक टी वन है और यहां पे एक टी वन है क्योंकि ये रस्सी सेम है तो रस्सी के हर एक पॉइंट पर जो टेंशन की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो ये तो जब इन दोनों को मैं एक सिस्टम मानता हूं तो ये इसका एक इंटरनल फोर्स बन जाता है, जो रस्सी में जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स बन जाता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन जब हम सेपरेट एफबीडी की बात करें तो यहाँ पे टी वन और यहाँ पे टी वन मैंने कंसिडर किया है। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं बेटा जी? अब एफबीडी बनाने से बेटा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाएगा,
इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और यहां पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रम चे संचे। तो यहां से थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, यहां पे ये मेरा ए स्पीयर है, इस स्पीयर पर यदि सिग्मा वीजी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और सॉरी रो वीजी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और सिग्मा वन वीजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सपोज दैट इसका जो वेट है इसके बायंट फोर्स से ज्यादा हो जाता, वेट है वो बायंट फोर्स से ज्यादा हो जाता, मतलब इस पूरे सिस्टम इस एक यदि मैं एक स्पीयर को अकेला कंसिडर करूं तो इस फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता। तो ये जो ब्लॉक है मेरा कुछ यहां से इस सिचुएशन को छोड़ के यहां पे आने की कोशिश करता है कि नहीं आता, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग होती है वो हमेशा खींचने का काम करती है, कभी भी पुल करने का काम नहीं करती, कभी भी धक्का मारने का कोशिश नहीं करती, हमेशा खींचने का कोशिश करती है। तो ये केस तो मेरा कंसीडर हो गया, पहला जो केस लिया था यदि सिग्मा वीजी इज लेस देन सॉरी यहां पे रो वीजी इज लेस देन सिग्मा वन वीजी, तो जो इफेक्टिव ये तो मेरा कैंसिल हो गया, ये है कैंसिल हो गया, तो रो वी जी ग्रेटर देन सिग्मा वन वी जी। यहां से देखना मतलब ये जो मेरा स्पीयर है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है इस केस में, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स ज्यादा है और सिग्मा वी जी कम है, लेकिन यहां पे इस रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा, यहां पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो टेंशन इसको खींच के रोक लेगा तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। इस वाले स्पीयर की बात करते हैं, इसमें भी यदि रो वी जी ज्यादा हो जाता है सिग्मा टू वी जी से, रो वी जी ग्रेटर देन हो जाता है सिग्मा टू वी जी से, तो क्या होता? रो वी जी ज्यादा है तो ये ब्लॉक नीचे की बजाय ऊपर जाने की कोशिश करता। अब जब ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करता तो यहां पे ये रस्सी मेरी ढीली हो जाती और रस्सी में कोई टेंशन नहीं होता। अब जो ये नीचे है वो यहां पे टॉप लेयर पर चला जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो इस वाला ये वाला जो केस है ये भी कैंसिल हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, सिग्मा टू वी जी ये ग्रेटर देन हो गया रो वी जी से, तो यहां से प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ये दो केस हैं वो ट्रू हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम की बात करूं मैं तो ये क्लियर हो जाता है कि जो सिग्मा वन की जो वैल्यू है और सिग्मा टू की वैल्यू में क्या रिलेशन आएगा, क्योंकि यहां पर रो वी जी वीजी और वीजी दो हर जगह कांस्टेंट है, तो सिग्मा वन इज लेस देन सिग्मा टू, और ये ऑब्वियसली बात है कि जो ऑब्जेक्ट तैरने की कोशिश करता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो ऑब्वियसली बात है कि वो कम ही होगी, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसकी जो डेंसिटी है वो कम है। अब दूसरा जो केस है वो लेते हैं सिग्मा रो में क्या रिलेशन है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है, मतलब इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो टू रो वी जी, क्योंकि इस पर भी रो वी जी अपर डायरेक्शन में लग रहा है, इस पर भी रो वी जी अपर डायरेक्शन में लग रहा है, यहां पर टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाता है इस पूरे सिस्टम। यदि मैं इसको पूरा सिस्टम मान लेता हूं तो टेंशन यहां पे इंटरनल फोर्स बन जाता है, और इंटरनल फोर्स को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते। टू रो वी जी किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा वन वी जी प्लस सिग्मा टू वी जी से, और वी जी से वी जी तो सही हो ही जाएगा आपका, तो रो इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू। तो यहां से आंसर निकल के आया कि सिग्मा वन इज लेस देन सिग्मा टू एंड रो इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू, या इसको लिखूं इसको यहां से हटा के मैं यहां पे रख दूं कि टू रो इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। तो गाइस ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मिलते हैं नए वीडियो में नए लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।